हाँ बच्चों, बच्चों हमने लेसन पढ़ा है अभी पानी की खुशहाली, ठीक है। वो मैंने आपको लाइव क्लास में भी पढ़ा दिया था और इसकी वीडियो भी भेज दी थी। आज हम इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, राजा ने क्या जानना चाहा था? इसका उत्तर लिखेंगे, राजा ने अपने राज्य में क्या क्या हो रहा है यह जानना चाहा था। क्या लिखेंगे? राजा ने अपने राज्य में क्या क्या हो रहा है यह जानना चाहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भेष बदलकर सबसे पहले कहाँ पहुंचे? उत्तर लिखेंगे, राजा भेष बदलकर सबसे पहले एक गांव में पहुंचे। राजा भेष बदलकर सबसे पहले एक गांव में पहुंचे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण क्या कर रहा था? उत्तर लिखेंगे, ग्रामीण नहा रहा था और बेकार में पानी बहाया जा रहा था। ग्रामीण नहा रहा था और बेकार में पानी बहाया जा रहा था, ठीक है। फोर्थ है, भैंस वाला क्या कर रहा था? उत्तर लिखेंगे, भैंस वाला तालाब में अपनी भैंसों को नहला रहा था। भैंस वाला तालाब में अपनी भैंसों को नहला रहा था, ठीक है। फिफ्थ है, महिला कहाँ से पानी भरने आई थी? लिखेंगे, महिला तालाब से पानी भरने आई थी। महिला तालाब से पानी भरने आई थी, ठीक है बच्चों। ये ओरल क्वेश्चंस हैं तो इनके आंसर आप एक एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रिटर्न क्वेश्चन है ये। इसका पहला देखेंगे, राजा ने किससे किसका हाल जानना चाहा था? उत्तर लिखेंगे, राजा ने अपने दूरदर्शन मंत्री से अपने राज्य और अपनी जनता का हाल जानना चाहा था। राजा ने अपने दूरदर्शन मंत्री से अपनी जनता, अपने राज्य और अपनी जनता का हाल जानना चाहा था, ठीक है। ख है, जनता किस उम्मीद में बैठी थी? उत्तर लिखेंगे, जनता गरीबों की तरह आस लगाए बैठी थी कि सरकार की कब दया हो और हमें कुछ दान दे दे। जनता गरीबों की तरह आस लगाए बैठी थी कि सरकार की कब दया हो और हमें कुछ दान में दे दे, ठीक है। तीसरा है, राजा ने भेष बदलकर कहाँ भ्रमण किया? उत्तर लिखेंगे, राजा ने भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण किया। राजा ने भेष बदलकर पूरे राज्य का भ्रमण किया। फोर्थ है, महाराज ने जब कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तब ग्रामीण ने क्या जवाब दिया? लिखेंगे, ग्रामीण ने कहा, कौन चोर और कौन कोतवाल? पानी तो धरती मैया दे रही है ना, फिर तुम दोनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या लिखेंगे? ग्रामीण ने कहा, कौन चोर और कौन कोतवाल? पानी तो धरती मैया दे रही है ना, फिर तुम दोनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, भैंस वाले को राजा ने क्या समझाया? उत्तर लिखेंगे, राजा ने भैंस वाले को समझाते हुए कहा कि तुम साफ पानी को गंदा कर रहे हो, यहाँ भैंसों को नहलाने से और कपड़े धोने से पानी दूषित हो जाता है। राजा ने भैंस वाले को समझाते हुए कहा कि तुम साफ पानी को गंदा कर रहे हो, यहाँ भैंसों को नहलाने से और कपड़े धोने से पानी दूषित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हरियाणा में क्या घटना घटी थी? उत्तर लिखेंगे, हरियाणा में कुछ दिनों पहले कुएं में दीवार नहीं होने के कारण बबलू नाम का एक बच्चा उसमें गिर गया था। गांव वालों ने किस्मत से उसे निकाल कर बचा लिया था। क्या लिखेंगे? हरियाणा में कुछ दिनों पहले कुएं में दीवार ना होने के कारण बबलू नाम का एक बच्चा उसमें गिर गया था। गांव वालों ने किस्मत से उसे निकाल कर बचा लिया था, ठीक है। सेवंथ है और लास्ट, राजा ने जनता को जागरूक करने के लिए क्या क्या करने की बात कही? उत्तर लिखेंगे, राजा ने जनता को जागरूक करने के लिए जहां जहां पानी के स्रोत हैं वहां पर जानकारी के बोर्ड लगवाने व चित्रों द्वारा समझाने वाले बोर्ड लगवाने की बड़ी बात कही थी, ताकि जनता आसानी से समझ सके कि पीने का पानी अलग से भरना है व जानवरों को अलग से पानी पिलाना है जिससे पानी दूषित ना हो। क्या लिखेंगे सेवंथ का आंसर? राजा ने जनता को जागरूक करने के लिए जहां जहां पानी के स्रोत हैं वहां पर जानकारी के बोर्ड लगवाने व चित्रों द्वारा समझाने वाले बोर्ड लगवाने की भी बात कही, ताकि जनता आसानी से समझ सके कि पीने का पानी अलग से भरना है
वह जानवरों को अलग से पानी पिलाना है जिससे पानी दूषित ना हो। बड़ा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। राजा ने जनता को जागरूक करने के लिए जहाँ जहाँ पानी के स्रोत हैं वहाँ पर जानकारी के बोर्ड लगवाने व चित्रों द्वारा समझाने वाले बोर्ड लगवाने की भी बात कही, ताकि जनता आसानी से समझ सके कि पीने का पानी अलग से भरना है व जानवरों को अलग से पानी पिलाना है जिससे पानी दूषित ना हो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला कंप्लीट करना है और इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी ही है। ठीक है, ये शायद मैंने करवा भी दी है। हाँ, ये शायद मैंने करवा दी थी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि हम नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने जो स्टार्ट किया था, हमने लेसन 6 से स्टार्ट किया था। 6 से नहीं, बिरसा मुंडा से। हाँ जी, बिरसा मुंडा आ चुका है। नहीं, बिरसा मुंडा आ चुका है, हमने 6 से स्टार्ट किया था। तो इस बार आपका जो लाइव क्लास में जो टेस्ट होगा ट्यूसडे को, कृषक कविता के प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य का टेस्ट होगा। ठीक है, आपको ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है टेस्ट के लिए। लाइव क्लास में इस बार आपका टेस्ट होगा, इसलिए अगर मान लो किसी को नहीं पता चलता तो आपस में बात कर लेना और बता देना सभी को कि लाइव क्लास में इस बार ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा कृषक कविता का, लेसन 6 कृषक। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू देन।